जय हिंद यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू आवर चैनल बैडमे ऑनलाइन स्टडी सेंटर। सो पिछले क्लास में हम लोगों ने मैथ्स में पढ़ा था लसा और मसा ज्ञात करना। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि कोई संख्या आपको दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये सिद्ध करे अपरिमेय संख्या है, और यह इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पक्का पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इस तरह के मैंने आपको एक एग्जाम्पल की तरह बता देता हूँ, ताकि फिर इस तरह के आपको जितने भी क्वेश्चन है उसको आप कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि टॉपिक्स क्या है हमारा। क्वेश्चन इस तरह के होते हैं, सिद्ध करें कि रूट पांच एक अपरिमेय संख्या है। अब ये रूट पांच यहाँ पे हो सकता है रूट थ्री, रूट टू, कुछ भी ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, प्रूव दैट रूट फाइव इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं। तो पहला स्टेप हमारा होता है, माना कि रूट फाइव एक परिमेय संख्या है। मान लिया मैंने कि रूट फाइव क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रूट फाइव इज इक्वल टू पी बाई क्यू। क्यों? क्योंकि हमें पता था, इससे पहले हम लोग सीखे थे कि परिमेय संख्या क्या होता है, पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो मैंने इस तरह कर दिया, जहां पी और क्यू सब अभाज्य संख्या है और Q does not equal to zero, मतलब Q जो है जीरो के बराबर नहीं है। अब यहां पे एक नया टॉपिक आ गया, पॉइंट्स आ गया, सह अभाज्य। अब इसका मतलब क्या होता है, तो चलिए पहले मैं इसको समझा देता हूं, फिर उसके आगे हम लोग इसमें चलेंगे। सह अभाज्य कहने का मतलब क्या होता है, को प्राइम नंबर। मतलब क्या, कि वैसा दो नंबर या वैसा फ्रैक्शन जिसमें क्या होगा, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करेंगे तो उसका क्या होना चाहिए, एक, मतलब सिर्फ एक से ही भाग लेना चाहिए और किसी से नहीं लेना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 5/4। ठीक है, अब देखिए 5 किसे लग सकता है, 1 से लगेगा, फिर 4 1 से लगेगा, लेकिन फिर ये 2 से लग जाएगा, लेकिन देखिए किसी ये तो 2 से नहीं लगेगा। ठीक है, फिर हम लोग कह सकते हैं 3/5, ये देखिए दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 1 आएगा। तो जिस संख्या का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर 1 होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोनों तरफ वर्क करने पर, ठीक है, दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्क करने पर, चलिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, ये हो जाएगा 5 P² / Q²। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 Q² = P². अब हमें पता होता है कि अगर इसके बॉर्डर इधर पार करेगा तो क्या हो जाएगा, Q² = 5² / 5। ठीक है, तो इसको हम लोग अब क्या करें, जब देखिए यहां पे क्या है, मतलब ये P² लिखेंगे हम लोग, P² 5 से विभाज्य है, विभाज्य है, इसलिए क्या होगा, P भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। क्यों, जैसे देखिए अगर हम बात करें, बोला गया कि P² जो है यहां 5 से विभाज्य है, तो पी भी 5 से विभाज्य होगा। क्यों देखिए, तो हम लोग अगर मान लीजिए कि मैं कहूं कि अगर 8 जो है 8 से विभाज्य है, मतलब 8 से 8 भाग लग जाता है, तो मैं कहूं 8 का स्क्वायर 8 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, और 64 तो हम लोग 8 से काटेंगे, क्या करेगा, मतलब क्या, अगर P² 8 से, मतलब पी से 5 से विभाज्य है, इसका मतलब क्या, पी भी 5 से विभाज्य होगा। इसके आगे हम लोग देखते हैं, मतलब क्या करना है, हमें लिख दिया कि मतलब क्या, P² अगर 5 से विभाज्य है तो पी भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। अब आगे माना कि पी बराबर 5, कोई भी मतलब हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट ले लेते हैं, मान जो भी आपको लिखना है ले लीजिए। और हाँ, यहाँ पे ख्याल रखिए क्या, अगर जैसे हमें अभी यहाँ पे सिद्ध करना था कि 5 जो है ना अपरिमेय संख्या है, यहाँ पे अगर रूट 3 होता तो यहाँ पे क्या लेते हैं, हम लोग 3 लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, चलिए यहाँ पे एक मैंने चीज छोड़ दिया, इसको हम लोग इक्वेशन क्या करते हैं, 2 मान लेते हैं, और ये हमारा इक्वेशन 1 है। अब क्या लिखेंगे हम लोग, समीकरण 2 में पी का मान रखने पर, चलिए ठीक है, अब जहां भी मतलब पी है समीकरण 2 में क्या करते हैं, रख देते, तो हमारा यहां पे चलिए क्या हो गया,
क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर मतलब क्या, फाइव आर का होल स्क्वायर बाई फाइव। ये क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर 25 आर स्क्वायर बाई फाइव, ये कट जाएंगे फाइव जाएंगे। फिर यहां पर मैं थोड़ा कर देता हूं, क्यू स्क्वायर बराबर 5 आर स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, आर स्क्वायर बराबर क्या मतलब अगर बॉर्डर पार करेगा फिर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर बाई फाइव। मतलब यहां भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां फिर क्या हुआ कि अगर यही वाला लाइन हम लोग यहां लिख सकते हैं कि क्या पी स्क्वायर जैसे फाइव से निकाल लेते, यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे कि क्यू स्क्वायर फाइव से विभाज्य है तो क्या होगा, तो क्यू भी फाइव से विभाज्य होगा। ठीक है, मतलब मैंने बोला कि क्यू स्क्वायर फाइव से विभाज्य तो क्या होगा, क्यू भी फाइव से विभाज्य होगा। उसके बाद तो आप वीडियो पूछ करके इतना करें, फिर हम थोड़ा रेस करना पड़ेगा, इसके आगे स्टेटमेंट लिखना है हमें, तो मैं इसको रेस कर रहा हूं। इतने में मैंने स्टेटमेंट कुछ लिखना है। देखिए तो मैंने अभी माना था क्या कि Q और Q क्या है, सअभाज्य है। सअभाज्य का मतलब मैंने बताया था कि केवल एक से भाग लगने वाला, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख क्या रहे हैं कि P भी जो था हमारा क्या पांच से विभाज्य था, मतलब पांच से भाग लगने वाला था, और Q भी पांच से भाग लग जा रहा है, ठीक है। मतलब इससे हमें पता चल रहा है क्या कि यह सअभाज्य संख्या नहीं, मतलब हम लोग जो माने वो क्या था, गलत था, ठीक है। तो हम लोग इसी तरह लिखेंगे कि पी और थोड़ा सा इसमें लिख देते हम लोग, समीकरण एक तथा दो से यह पता चलता है कि पी और क्यू एक के सिवा पांच से भी विभाज्य है, अतः हमारा मानना गलत है, रूट पांच एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग सिद्ध कर सकते हैं, यहाँ पे रूट पांच या रूट थ्री कुछ भी ऐसा हो सकते हैं, तो आप इसको इस तरह ही बना सकते हैं, ठीक है। आपको स्टेटमेंट और स्टेप जो भी है आप वीडियो पूछ करके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हमारा होता है क्वेश्चन कि बिना भाग दिए हुए, ठीक है, मतलब बोला रहेगा कि मतलब भाग के बिना लंबी प्रक्रिया किए हुए आपको बताना है कि शांत होगा या अशांत होगा, मतलब दशमलव पर साल याद करना होगा वो भी बिना भाग दिए हुए, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। नाइन्थ में ऐसा हम लोग पढ़े थे कि शांत अशांत कैसे, लेकिन भाग देकर बताते, लेकिन टेंथ में हमें ऐसा नहीं होगा, आपको बिना भाग दिए बताना होगा कि शांत होगा या अशांत होगा। तो इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो तीन बनाएगा अभाज्य गुणनखंड के जरिए ही बनाया गया, ठीक है। मतलब क्या, पहले मैं अभाज्य गुणनखंड बताता हूँ क्या मतलब, ये फॉर्मूला कहने के मतलब कहते, मान लीजिए कि मैंने अभी यहाँ पे दिया 3/8 और हमें मतलब बिना भाग दिए बताना कि शांत होगा या अशांत होगा, तो क्या करना है, हमेशा डिनोमिनेटर यानी जो नीचे हर होता है ना उसका क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, ठीक है। तो 8 का हम लोग अगर करेंगे 2 से 4 टाइम, फिर 2 से 2 टाइम, 2 से 1, मतलब क्या हो गया हमारा 2 × 2 × 2 × 2 बस 13, 2 का पावर कितना 3 हो गया, मतलब क्या देख लीजिए 2 का पावर 3। तो देखिए यहाँ पे मतलब ये फॉर्मूला, ये कहने का मतलब ये 2 तो है ही है, इसका पावर mn, यहाँ पे mn कहने का मतलब उसका पावर दिखा जाता है, ठीक है। चलिए मैं अभी फॉर्मूला को समझाता हूँ, मतलब कहा गया यानी कोई भी नंबर उसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर हमारा बेस यानी डिनोमिनेटर जो होगा ना क्या होना चाहिए उसका, अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करें और वो 2 और 5 का ही क्या होगा गुणनखंड हो, 2 और 5 का ही गुणनखंड होगा चाहे पावर चार जितना भी हो, तो क्या होगा शांत, मतलब हम लोग नीचे में 2 और 5 के सिवा अगर कोई अगर आ रहा है तो क्या कहलाएगा वो अशांत कहलाएगा। तो इसलिए मैंने फॉर्मूला बना लिया यहाँ पे क्या पी बाय, तो ऊपर कुछ नंबर है और अगर हम लोग गुणनखंड करें तो सिर्फ 2 या 5 ही आना चाहिए, 2 या 5, तो क्या कहलाएगा शांत कहलाएगा चाहे पावर उसका जितना भी हो, जैसे यहाँ पे पावर कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा ये नंबर अगर मैं पूछूं तो क्या होगा शांत, क्यों, क्योंकि 2 का पावर कितना आ रहा है, सिर्फ 2 आ रहा है ना, तो फिर नीचे वाला फॉर्मूला में 2 नंबर क्या हो जाएगा
कि अगर p हो और नीचे क्या हो हमारा सिर्फ दो का भी पावर आ जाएगा ना, इसमें पांच अगर एब्सेंट भी होगा सिर्फ दो का ही पावर रहेगा फिर भी शांत होगा, या अगर हमारा सिर्फ पांच भी अकेला आ जाएगा फिर भी शांत होगा, लेकिन दो और पांच किसी का कोई तीसरा नंबर जैसे ही आ जाएगा तो क्या कहलाएगा अशांत कहलाएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से क्लियर करता हूं मैं आपको, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अगर जैसे मतलब यहां पर बोल दीजिए फोर बाई फोर नहीं चलिए चलिए मैं लिखता हूँ फाइव बाई 36 और मैं पूछा ये शांत है या अशांत है बिना लंबे भाग के गिए होते हैं, हम क्या करें इसका प्राइम फैक्टर 2 से कितने 18 फिर तो ये कितना आ जा रहा है हमारा देखिए 5 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2 तो क्या ये होगा शांत होगा या अशांत होगा। देखिए तो क्या बोला गया कि 2 और 5 के सिवा कोई तीसरा आया मतलब कोई भी इसके सिवा कोई नंबर आ रहा है तो क्या कहलाएगा वो अशांत कहलाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। क्यों अशांत हो जाएगा, क्यों अशांत होगा बताइए, अशांत हो जाएगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला गया 2 और 5 किसी का कोई नंबर नहीं आना चाहिए, यहाँ पे क्या आ गया 3 आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा ये अशांत। तो इस तरह हम क्या करेंगे निकाल सकते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग, अगर मैंने दे दिया 1/40 और इसका मैं पूछ रहा हूं बताइए शांत होगा या अशांत होगा। ठीक है, तो कीजिए पहले आप लोग खुद से, पहले क्या करना है मतलब 40 का निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टर, 2 से किया 20, 10, 5, 1, मतलब क्या हो जाएगा 1/2 का पावर 1 to 3 इंटू 5, तो ये शांत होगा ना, क्यों क्योंकि 2 और सिर्फ 5 है तो क्या हो जाएगा ये शांत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग शांत और अशांत बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। आगे जो सिस्टम होते हैं मतलब बोला जाएगा यदि संभव हो तो मतलब कोई पॉइंट दिया जाएगा तो बता रहेगा और उसको क्या करना होगा पी बाई जितने मतलब जीरो हमें करना 1 to 3 तो 3 0 1 2 3 0 कर दिए। ठीक है, अब देखेंगे नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में कोई मतलब कॉमन है क्या, कटने वाला है क्या, तो कट जाएगा ये दोनों नंबर कट जाएंगे 2 से, ये 2 से कट जाएंगे आपको 142 बार में और ये कट जाएगा 500 बार में। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब हमें क्या करते हैं इसे ना प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, सिर्फ हमें क्या करना है ऊपर वाले पी से कोई मतलब नहीं क्या है नीचे की मतलब नहीं डिनोमिनेटर को ही हमें बाजू में इंक्रीमेंट करना होता है, तो 500 का हमें करते हैं क्या 2 से लगाते हैं क्या 250 2 से फिर 125 अब ये 2 से नहीं लगेगा 5 से लग जाएगा 25 फिर 5 से 5 फिर 5 से मतलब इसका हम लोग लिख सकते 142/1 2 का पावर 2 गुणे 1 2 3 5 का पावर 3। ठीक है, और इसमें शायद 2 और भी कॉमन आ सकते हैं 2 से ये कर सकते हैं कर जाएंगे शायद 71 बार में, तो 71 बटा क्या हो जाएगा 2 × 5 की पावर 3 तो ये सर हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके रूप में लिख सकते हैं, मतलब आज जो इंटेंड कर रहे हैं फॉर्म में टाइप देखना अगर कटने वाला तो काट देंगे और नहीं तो फिर इस तरह लिख देंगे। ठीक है, सो इसी तरह आपका वास्तविक संख्या खत्म हो रहा है, फिर आगे की वीडियो के लिए आगे हमें फॉलो करो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, सो आगे हम लोग बहुपद क्लास नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।